अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज बाय बंगश। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे श्रिम्प स्टिक्स की रेसिपी। तो चले बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो हम सबसे पहले श्रिम्प्स को मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए हमने लिए हैं श्रिम्प्स। उसमें हम ऐड कर लेंगे गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, लाल कुटी हुई मिर्ची 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिली सॉस 2 टेबलस्पून और सोया सॉस 1 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, हसबे जायका, नमक, मैंने तकरीबन इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। वैसे तो ये बहुत जल्दी मैरिनेट हो जाता है, तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसे आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे इसका टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त आएगा। तो मैरिनेट करने के बाद हम इसे जो है वुड स्क्यूअर्स में अच्छी तरह से सेट कर देंगे। तो इस तरह से हर स्टिक में इसे 3-3 श्रिम्प्स थ्रेड करते जाना है और साइड पे रखते जाना है। तो ये देखिए, हमने एक एक करके सारे झिंगों को अच्छी तरह से थ्रेड कर दिया है। तो ये हमारी अच्छी तरह से थ्रेड हो चुके हैं श्रिम्प्स। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर दिया था लो मीडियम हीट पे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्टिक्स और इसे हम पका लेंगे लो हीट पे बिल्कुल ही तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो वो वक्त से इसके साथ चेंज करते जाना है ताकि ये जल ना जाए और अच्छी तरह से पक जाए। इसे बिल्कुल ही लो हीट पे पका लेना है आपने। और ये देखिए, हमारे श्रिम्प्स अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट कर देंगे। और उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।